रमजान में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के ऐलान के बाद आज पहली बार देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। दौरे का मकसद ये जानना है कि इस प्रयोग का कितना असर हुआ। गृह मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर में सीएम महबूबा मुफ्ती, गवर्नर एनएन वोहरा से मिले। श्रीनगर में राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के उभरते खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। इस दौरान राजनाथ सिंह आज किक बॉक्सर तजामुल इस्लाम से भी मिले। गृह मंत्री ने कहा, जम्मू कश्मीर के बच्चों को भी देश के दूसरे बच्चों की तरह आगे बढ़ने के मौके मिलने चाहिए। राजनाथ सिंह दो दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। रमजान के दौरान सुरक्षा बलों के ऑपरेशन पर रोक के बाद से वहां के हालात की समीक्षा करेंगे। राजनाथ सिंह आज ही सीएम महबूबा मुफ्ती के साथ रोजा इफ्तार में भी शामिल होंगे। राजनाथ सिंह श्रीनगर के अलावा कुपवाड़ा और जम्मू कश्मीर भी जाएंगे। खेल, पर्यटन और रोजगार को लेकर सीएम महबूबा के साथ बैठक होगी। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम के तहत कुपवाड़ा और बारामूला में विकास कार्यों का जायजा लेंगे। बड़े अधिकारियों के साथ घाटी के ताजा हालात की भी समीक्षा होगी। इस बीच आज ही आतंकियों ने कुपवाड़ा में सेना की पेट्रोलिंग टीम पर हमला किया। इस हमले में दो जवान घायल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस हमले को पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने अंजाम दिया। खिलाड़ियों का सम्मान करते वक्त काफी अच्छी तस्वीरें देखने को मिली। 2016 वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली तजामुल इस्लाम राजनाथ सिंह के गले मिली। गृह मंत्री के साथ सेल्फी भी क्लिक की। यह सब सारे हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान केवल जम्मू कश्मीर की ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की तकदीर को बदल सकते हैं, पूरे मुल्क को बना सकते हैं। यही इनके अंदर का जो आपने यहाँ गोलाबारी बंद करने का फैसला किया है उसको आगे चलाने की जरूरत है, ताकि हमारे ये गुलकोश वादी में ये हमारे फूल, ये हमारा मुस्तकबिल, ये हमारा फ्यूचर, ये फले और फूले।